दोस्तों हार्दिक पंड्या भारतीय क्रिकेट में जितने धुआंधार और धाकड़ बल्लेबाज है उतने ही सातिर और संकटमोचक गेंदबाज भी है, जिन्होंने ना सिर्फ कई बार हारते मैच जितवाए हैं बल्कि हारते मैच में भारतीयों के गिरते मनोबल को भी उठाया है। वो एक ऐसा इंसान है जो क्रिकेट की वजह से हर वक्त खबरों में बने रहते हैं। इस बार वो फिर से खबरों में बने हुए हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि अपनी शादी की वजह से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में, जिसके चर्चे आजकल हर एक गली मोहल्ले में है। वैसे क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों हार्दिक पंड्या की लव स्टोरी से पहले इनकी लाइफ स्टोरी जान लेना जरूरी है। हार्दिक पंड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। शुरुआत में हार्दिक के पिता एक छोटा मोटा कार इंश्योरेंस का काम किया करते थे, लेकिन अपने दोनों बेटों के क्रिकेट करियर को सही दिशा देने के लिए उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ वडोदरा में शिफ्ट हो गए। वडोदरा शहर क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए बहुत मशहूर है और यही देखते हुए हार्दिक के पिता ने अपने दोनों बेटों का एडमिशन किरण मौर्य की क्रिकेट अकेडमी में करवा दिया। हार्दिक के पूरे परिवार के वडोदरा शिफ्ट होने के बाद उनके पिता का कार इंश्योरेंस का काम सही से नहीं चल पाया और उनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। उनके परिवार की ऐसी हालत देखते हुए किरण मौर्य ने हार्दिक से कोई भी शुल्क लेने से मना कर दिया और निशुल्क उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। और ये कोई हार्दिक पर तरस खाकर उन्होंने नहीं किया बल्कि उनके टैलेंट को देखते हुए किया। हार्दिक के पिता को डायबिटीज होने के कारण 2 साल में 3 बार दिल का दौरा पड़ा और उनका रहा सहा काम भी जाता रहा। हार्दिक अपने परिवार की माली हालत के कारण दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर गुजारा करते थे। हार्दिक पांड्या ने अपना ज्यादातर ध्यान पढ़ाई की जगह क्रिकेट पर लगाया और 9वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हार्दिक ने बचपन के दिनों में जूनियर लेवल पर खेलते हुए काफी तरक्की की और कई बार अपनी टीम को भी जिताया, लेकिन हार्दिक के खराब रवैये के कारण उनको कई बार टीम से अंदर बाहर किया गया। हार्दिक के पास खेलने के लिए खुद का बैट भी नहीं था, इसी वजह से एक बार इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट गिफ्ट किए थे, जिसके साथ पश्चिम जोन की तरफ से मुंबई के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 82 रन बनाए थे। और इसी मैच में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। अगली बार हुए ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पंड्या को मात्र 10 लाख रुपए में खरीदा था और यहीं से उनके सफल जीवन की शुरुआत हो गई थी। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, वो एक बैट्समैन होने के साथ साथ तेज गेंदबाज भी है। हालांकि शुरुआत में हार्दिक तेज गेंदबाज ना होकर लेग स्पिनर थे, लेकिन जब हार्दिक पंड्या की उम्र 18 की हुई तो उनके बड़ौदा के कोच सनत कुमार ने उनको तेज गेंदबाजी करने की सलाह दी और यहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में तेज गेंदबाजी की शुरुआत की। ये तो हुई हार्दिक पंड्या के करियर की बात। दोस्तों अब आते हैं उनकी रिलेशनशिप वाली लाइफ पर। हार्दिक का नाम नताशा से पहले कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका था। इसमें सबसे पहली थी कोलकाता की अभिनेत्री लीसा शर्मा। लीसा और हार्दिक पंड्या का नाम सोशल मीडिया पर खूब उछाला गया, दोनों को कई बार साथ में घूमता देखा गया। हार्दिक ने भी खुद रिश्ते में होने की बात सार्वजनिक भी कर दी थी। हालांकि कुछ समय बाद हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुद के सिंगल होने की घोषणा करके इस रिश्ते को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि मैं इन अफवाहों को समाप्त करना चाहता हूँ, अपने आप को सिंगल घोषित कर सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद उनका नाम जुड़ा एली एवराम के साथ। एक बार को तो लगने लगा कि हार्दिक एली से शादी भी कर लेंगे। एली का हार्दिक पंड्या के साथ सबसे लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन कहा जाता है ना कि हर अच्छी चीज का अंत होता है, और इस रिलेशनशिप का भी हुआ। बस एक दिन ऐसे ही हार्दिक और एली ने एक दूसरे का साथ छोड़ देने का ऐलान कर दिया। एली के बाद में दिए गए कई इंटरव्यूज से साफ झलक रहा था कि वो अब भी हार्दिक से प्यार करती है। खैर, एली से अलग होते ही हार्दिक का नाम जुड़ा ईसा गुप्ता से। दोनों ने इस रिश्ते को काफी सीक्रेट रखा था, लेकिन कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपता। लेकिन जल्द ही इस रिश्ते को भी सारी दुनिया की नजर लगने वाली थी और इसी वजह से थोड़े ही समय बाद दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। ईसा गुप्ता ने तो बाद में हार्दिक को पहचानने से भी इनकार कर डाला था। वैसे दोस्तों पंड्या की गर्लफ्रेंड लिस्ट में नाम तो उर्वशी रोतेला का भी जोड़ा जाता है, लेकिन शायद उन्हें ना तो हार्दिक ने सीरियस लिया, ना जनता ने और ना ही ऋषभ पंत ने। खैर, ये वो टाइम था जब हार्दिक का अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन उनकी कुंडली पर जल्द ही शनि की छाया पड़ने वाली थी। हार्दिक और केएल राहुल ने एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही उड़ता तेल लेने का प्लान कर लिया। बॉलीवुड में कई रिश्ते और रिलेशनशिप बनते हैं करण जौहर के शो कॉफी विद करण में। ऐसा मान लीजिए इस शो में जाने वाले हर एक लड़के को बॉलीवुड फिल्मों से ऑफर और बॉलीवुड अभिनेत्रियों से रिलेशनशिप के प्रपोजल आगे से ही आने लगते हैं। केएल
और हार्दिक को लगा कि शायद करण के साथ कॉफी पीने से उनकी भी बॉलीवुड में अच्छी खासी पहचान बन जाएगी। इसीलिए ये दोनों पहुंच गए शो में और शो में हो गए कुछ ऐसे कांड कि BCCI से उन्हें मिल गए कारण बताओ नोटिस। हार्दिक ने इस शो पर महिलाओं के बारे में मजे मजे में कई आपत्तिजनक कमेंट कर डाले और क्रिकेट जैसा जेंटलमैन गेम देखने वाले फैंस को ये जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें तो सीधे सीधे ये बदतमीजी लगी और इसी वजह से KL और हार्दिक को BCCI ने कई दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया। हर तरफ हार्दिक का क्रिटिसिज्म हो रहा था। मौके का फायदा उठाकर उनके एक दो पुरानी गर्लफ्रेंडों ने भी मीडिया में उनके बारे में बहुत कुछ बोला। खैर यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी में उनके हमसफर का दोबारा आगमन होने वाला था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी फिर से हसीन बनने वाली थी। हम बात कर रहे हैं सर्बियाई मूल की मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच की। वो साल 2012 में भारत आई थी और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक मॉडल के रूप में की थी। इसके साथ साथ वे कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी थी। साल 2014 में रेपर बादशाह के साथ डीजे वाले बाबू गाने ने उनके करियर को सबसे बड़ी पहचान दी। ना सिर्फ ये गाना शानदार था बल्कि नताशा के लुक्स ने इस पर 4 चांद लगा दिए। लोग रातों रात इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। अब लोग इन्हें डीजे वाले बाबू गर्ल के नाम से जानने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि नताशा और हार्दिक पंडे की पहली मुलाकात 2014 में ही हुई थी। इन दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर चल रही पार्टी में हुई थी। पार्टी में रात के 1 बज रहे थे। हार्दिक गले में चैन और सिर पर हेट लगाए पार्टी में टहल रहे थे। हार्दिक ने देखा कि कोई खूबसूरत निगाह उन्हें बार बार देख रही है। उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई इस इंसान के करीब जाने में। वो सीधे पहुंच गए इस बाला के खूबसूरत बाला के पास। नताशा नहीं जानते थे कि ये इंसान आखिरकार है कौन। हार्दिक कहते हैं कि उस रात नताशा उन्हें देखकर सोच रही थी कि आखिर ये अजीब प्राणी है कौन। लेकिन दोनों में बातचीत होने लगी तो नताशा को भी समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल प्राणी तो है नहीं और इस पहली मुलाकात से ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, या फिर कह सकते हैं कि ये हार्दिक का बचपना ही था कि वो जितना जल्दी एक दूसरे के करीब आए थे उससे भी जल्दी एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन दोनों में दोस्ती बनी रही। हार्दिक पंडे की लाइफ में 2019 में आए कॉफी कांड के बाद पूरी दुनिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और यही वो वक्त था जब हार्दिक ने अपने आप को सबसे अकेला पाया और यही वो समय था जब उन्हें साथ मिला नताशा का, जिन्होंने हार्दिक और उनके गिरते मनोबल दोनों को संभाला। इसके तुरंत बाद ही 1 जनवरी 2020 को हार्दिक ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर डाला कि उन्होंने नताशा को प्रपोज किया है और जवाब हाँ मिला है। हार्दिक ने अपनी सगाई की बात अपने घर वालों को भी 2 दिन पहले ही बताई थी। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तू कर रहा है वो बेस्ट है। खैर मई 2020 में हार्दिक ने ऐलान किया कि वो बाप बनने वाले हैं और 30 जून को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हालांकि बेटे के जन्म के बाद हार्दिक की सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत खिंचाई भी हुई। लोग कहने लगे कि हार्दिक शायद जल्दी जल्दी में शादी करना ही भूल गए हैं। वैसे हार्दिक का हमेशा से ही अपनी शादी पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का सपना था, लेकिन कोविड काल ने उनके सपने पर पानी फेर डाला। लेकिन फिर से वो अपनी शादी को लेकर खबरों में बने हुए हैं। वैसे आपको हार्दिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।